नमस्कार दोस्तों, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले दो फंडामेंटली मजबूत स्टॉक के बारे में, जिसके बिना स्टॉक मार्केट अधूरा है। तो सबसे पहला नाम है BSE लिमिटेड यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, लगभग 12% की जोरदार तेजी है आज के दिन में। और जो दूसरा स्टॉक है यानी कि CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, लगभग 4% की जंप आई थी, वापस से प्रॉफिट बुकिंग हुआ, स्टॉक गिर गया। तो ऐसा क्या हुआ जो पूरे डिटेल में देखने वाले आज के वीडियो में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते स्टॉक में बहुत ही बड़े मल्टीपल रिटर्न दे सकते हैं आने वाले समय में, उसके पीछे का जो लॉजिक है इस वीडियो में देखने वाले। जैसे कि कम से कम 5 से 10 साल देते हैं दोनों स्टॉक के लिए, बहुत मतलब बहुत बड़े रिटर्न बन सकते हैं। जैसे कि जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं CDSL की जो लॉन्ग टर्म की रिटर्न है लगभग 318% की रिटर्न है। लगभग यहाँ से आप लोग देख सकते हैं स्टॉक यहाँ से 20 से 30% से क्रैश हुआ है, फिर भी यहाँ पे बहुत बड़े रिटर्न बने। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2020 के बाद यहाँ पे बहुत ही बड़ी जंप आई थी CDSL में। जो दूसरा स्टॉक है सेम चार्ट पैटर्न है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2020 के बाद यहाँ पे बहुत ही बड़ी जंप आ चुकी है, लगभग 74% के रिटर्न दे, अपने ऑल टाइम हाई से लगभग जो स्टॉक है लगभग 30-40% से क्रैश हुआ है। देखिए स्टॉक मार्केट के जो जर्नी रहते हैं ऐसे रहते, अप एंड डाउन वाले रहते। कोई भी जो रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं कभी भी टॉप लेवल पे आ जाते, यहाँ पे आ जाते, जैसे स्टॉक मार्केट गिरते वहाँ से भाग जाते। तो देखिए ऐसा कभी भी नहीं करना रहता स्टॉक मार्केट में। कभी भी स्टॉक मार्केट गिरते उस टाइम के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कभी भी बुल रन में आते तो आपको लॉस 101% होता है। अगर आपने क्वालिटी स्टॉक लेके रखे आपके पोर्टफोलियो में तो आपको वेट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट थोड़ा गिरता है तो आपको कभी भी घबरा के वहाँ पे स्टॉक बेचना नहीं चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आगे जाके CDSL और BSE को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए न्यूज़ का कवर कर लेते हैं। देखिए न्यूज़ को देखने से पहले एक बार सीनियर समझ लेते हैं, तो आपको जो सिंपल लॉजिक समझ में आएगा क्यों CDSL और जस्ट BSE इसको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। डायरेक्ट न्यूज़ पढ़ेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे उसका लॉजिक नहीं समझ में आएगा। देखिए स्टॉक मार्केट आप लोगों को पता रहेगा बहुत सारे चीज़ों से बनाए, जैसे कि CDSL जो डिपॉजिट रहते हैं उससे, उसके बाद एक्सचेंजेस जैसे कि BSE NSE, उसके कैम्प्स का यहाँ पे बिजनेस अलग से, सेबी का यहाँ पे बिजनेस अलग से, सेबी का यहाँ पे बिजनेस क्या है जैसे कि मार्केट में कोई फ्रॉड होता है तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने का जो काम रहता है सेबी का रहता है, एक रेगुलेटरी बॉडी रहते हैं। उसके बाद ब्रोकर्स रहते हैं जैसे कि शेयर खाने या फिर ग्रो है, या फिर अलग अलग ब्रोकर मार्केट में लिस्टेड है। उसके बाद AMC का बिजनेस क्या रहता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड का काम करती है AMC कंपनी। तो जो स्टॉक मार्केट है अलग अलग यहाँ पे सोर्सेज से बनाए, अलग अलग चीज़ों से बनाए। जितना स्टॉक मार्केट बढ़ेगा उतना यहाँ पे जो अलग अलग बिजनेस है उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। और आप लोगों को पता रहेगा जो आने वाला समय रहेगा बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन आने वाले मार्केट में, और जितने ज़्यादा लोग मार्केट में आएगा सीधा जो फायदा है CDSL और BSE को या फिर सेबी को, ब्रोकर्स को, AMC कंपनी को होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा जो CDSL का जो मेन काम क्या है, जैसे कि डिपॉजिटरी का है, मतलब फॉर द एग्जांपल आपका कोई XYZ ब्रोकर है और आप स्टॉक जो है बाय सेल करते हैं तो यहाँ बैकेंड में जो काम करता है डिपॉजिटरी का CDSL करते हैं। अगर आपका ब्रोकर भाग जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि आपके पास एक पोर्टफोलियो नंबर रहते हैं जो CDSL में स्टोर रहते हैं। अगर आप जाके जो पोर्टफोलियो नंबर से शेयर बाय एज सेल कर सकते हैं। ये तो हो गया CDSL के बारे में। दूसरा कौन सा है, BSE। तो यहाँ पे आप लोगों को पता रहेगा एक एक्सचेंजेस का काम करते हैं। अगर आपको सेल बाय करना है तो आपको सेलर तो यहाँ पे मिलना चाहिए, तो जो सेलर ढूंढने का काम करता है कौन करता है, एक्सचेंजेस यानी BSE करता है। तो ये दोनों का बिजनेस है। देखिए अभी तक फिलहाल NSDL मार्केट में लिस्टेड नहीं, तो पूरा जो फायदा है CDSL को हो रहा है, मोनोपोली क्रिएट करके रखा है मार्केट में। सेम वैसे BSE के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा NSE दूसरा एक्सचेंजेस है अभी तक मार्केट में लिस्टेड नहीं, तो इसका सीधा फायदा कौन उठा रहा है, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उठा रहे। जितना स्टॉक मार्केट का बिजनेस बढ़ेगा उतना दोनों कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। जितने लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे उतने लोग बाय और सेल करेंगे स्टॉक, उसका जो कमीशन रहते हैं CDSL और BSE को मिलने वाला है। ये तो हो गए कंपनी के पोर्ट जो बिजनेस के बारे में। एग्जैक्टली आज का न्यूज़ क्या देख लेते हैं। देखिए आज का जो ब्रेकिंग न्यूज़ है डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट BSE और CDSL के यहाँ पे फायदा देने वाले लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए ऐसा नहीं है आज के दिन में न्यूज़ आए और स्टॉक में रॉकेट बनते चले गए, 50% 60% के रिटर्न बनेंगे, ऐसा नहीं होता। जो न्यूज़ है लॉन्ग टर्म के लिए असर दिखा सकते हैं। जैसे कि जो सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया है यहाँ पे सेबी का जो यहाँ पे बिजनेस है उनका जो नेट प्रॉफिट है टोटल इनकम है लगभग 1.55% यहाँ पे जंप हो चुका है, लगभग 826 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है फिस्कल ईयर 2021 के लिए। तो ये तो क्या ब्रेकिंग न्यूज़, आगे भी न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ को पढ़ सकते हैं जो भी सेबी का जो है टोटल इनकम है लगभग यहाँ पे बढ़ चुका है
826 करोड़ का इनको प्रॉफिट हो चुका है फिस्कल ईयर 2020 और 21 के लिए। देखिए अगर बिजनेस बढ़ता है तो उनके खर्चे भी बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनके खर्चे कितने हो चुके हैं, लगभग 667 करोड़ के यहाँ पे खर्चे हो चुके हैं। देखिए जितना बिजनेस बढ़ता है उतने ज़्यादा खर्चे भी बढ़ते हैं, लेकिन एक अच्छा साइन होता है क्योंकि बिजनेस बढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी कंपनी के लिए। देखिए इसका जो फायदा है सीधा आप लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आने वाले समय में जो भी बीएससी और सीडीएसएल इनके बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि सेबी का बिजनेस बढ़ रहा है तो आगे जाके बीएससी और सीडीएसएल का भी बिजनेस बढ़ सकते हैं, यहाँ पे प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। क्या अभी तो फिलहाल आप लोगों को पता रहेगा जो इंडिया है लगभग 5 से 10% लोग ही यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी तक आप लोगों को पता रहेगा इंडिया का पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ के आसपास है, सिर्फ यहाँ पे 10% लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब सोच सकते हैं इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी बहुत ही कम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आने वाला जो समय रहेगा बहुत ही बड़े लोग आ सकते हैं स्टॉक मार्केट में। आप लोगों को पता रहेगा जो इंडिया पूरा डिजिटल हो रहा है और आने वाले समय में स्टॉक मार्केट में बहुत सारा यंग जनरेशन आ सकते हैं, और इसका जो फायदा है CDSL और BSE आराम से उठा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनका जो बिजनेस है धीरे धीरे करके यहाँ पे ग्रो हो चुका है, तो आगे जाके भी इनका जो यहाँ पे चार्ट पैटर्न बहुत ही आसानी से लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए सिर्फ स्टॉक मार्केट है यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स देख रहे हैं ये नहीं चलेगा, नेगेटिव पॉइंट्स भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए रिटेल इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं, यहाँ पे बुल रन में आते जो कि यहाँ पे तेज़ी देख के यहाँ पे आते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट गिरता है कोई बुरी खबर आते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट है मतलब 1-2% या फिर 10-20% के यहाँ पे गिरावट तो होगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरे अपर सर्किट में स्टॉक भागेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन भी होगा, उस टाइम पे रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं जैसे यहाँ पे स्टॉक मार्केट गिरता है वो यहाँ से भाग जाते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर टॉप पे आते हैं और जैसे ही मार्केट गिरते हैं वहाँ से भागते हैं, ऐसे कभी भी नहीं करना है। आपको क्या करना है उल्टा करना पड़ेगा, जब भी मार्केट गिरता है कोई एक्सटर्नल इश्यू रहते हैं जैसे कि कोविड आया मार्केट गिरा, रशिया और यूक्रेन का वार चला वापस से मार्केट गिरा, उस टाइम पे आपको मौके का फायदा उठाना चाहिए। जो भी बड़े बड़े स्टॉक्स रहते हैं जो भी जैसे कि TCS इन्फोसिस जो बड़े स्टॉक्स रहते हैं, अगर आपको 10-15% स्टॉक गिरते हैं तो आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत इंस्टॉलमेंट लगाना चाहिए, लेकिन खुद का स्टडी जरूर कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देखा और यहाँ पे डायरेक्ट वन टाइम पैसा लगा, ऐसा कभी भी नहीं करना। धीरे धीरे करके पूरे स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आए, पूरा SIP मोड में पैसा लगाएं, कभी भी वन टाइम में स्टॉप लेवल पे यहाँ पे मत अटके। SIP मोड का फायदा यही होता है कि कभी भी मार्केट गिरेगा तो आपके पास यहाँ पे थोड़ा पैसा बचेगा यहाँ पे बॉटम लेवल पे स्टॉक खरीदने के लिए। ये तो था आज का वीडियो। देखिए कोई भी स्टॉक लेते हैं तो खुद का स्टडी जरूर कीजिए, डायरेक्ट किसी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे तो आगे जाके आपको नुकसान भी हो सकता है। देखिए स्टॉक मार्केट और जो भी यहाँ पे बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं आप लोगों को बताते हैं ये स्टॉक ले लो बहुत फायदा होने वाला है, ये स्टॉक ले लो दूसरा स्टॉक ले लो रॉकेट बनने वाला है, ऐसा आपको फंसा सकते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है, खुद का स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है स्टॉक मार्केट में। डायरेक्ट किसी को अगर आप यहाँ पे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे तो आप एक ना एक दिन स्टॉक मार्केट में अटक सकते हैं। ये तो था आज का एजुकेशनल वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।